आखिर क्यों कब्रिस्तान में बैठकर चाय पीते हैं इस राज्य के लोग? क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था? इस देश में पत्थर को फ्राई करके खाते हैं लोग, और बिस्तर में बैठकर खाना खाने से बहरे हो सकते हैं आप, लेकिन कैसे? चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। फैक्ट नंबर वन, वैसे तो इस धरती पर एक से बढ़कर एक विचित्र और अनोखे जीव हैं, जिनकी अपनी अलग क्वालिटी होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे कीड़े के बारे में सुना है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं? इतना ही नहीं, ये कीड़ा 10 आँखों और 300 से ज्यादा दांत का मालिक भी है, जिसे पहली बार देखने पर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। हम बात कर रहे हैं लीच यानी जोंक की, जो इंसान या किसी जानवर के शरीर पर चिपक कर उसका खून पी जाता है। लीच के पास एक या दो नहीं बल्कि 32 दिमाग होते हैं, जबकि इसके पास 10 जोड़ी आंखें होती हैं। इतना ही नहीं, लीच के पास 3 जबड़े भी होते हैं, जबकि हर जबड़े में कम से कम 100 दांत पाए जाते हैं। इन्हीं दांतों की मदद से लीच इंसान या किसी जानवर की त्वचा को काट कर उसका खून चूस लेती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जोंक अपने कुल वजन और शारीरिक आकार के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खून चूसने में सक्षम होती है। जोंक के दिमाग पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि वैसे तो इस कीड़े के पास एक ही दिमाग होता है, जो लीच के 32 अलग अलग शारीरिक हिस्सों को कंट्रोल करता है। हर हिस्से को कंट्रोल करने के लिए एक दिमाग की जरूरत होती है, लिहाजा लीच के दिमाग को 32 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। फैक्ट नंबर टू, आम तौर पर कब्रिस्तान का नाम सुनते ही लोगों का चेहरा डर से लाल हो जाता है। वहीं खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट या फिर कैफे को सबसे बेहतरीन माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी कब्रिस्तान के बीचों बीच चाय पीने या फिर स्नैक्स खाने का आनंद उठाया है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको गुजरात जाना पड़ेगा। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद शहर में लाल दरवाजा नाम की एक जगह है, जहां पिछले 72 साल से एक टी स्टॉल है। वैसे तो ये नाम के लिए टी स्टॉल है, लेकिन यहां आपको चाय के अलावा खाने पीने की विभिन्न चीजें मिल जाएंगी। ये टी स्टॉल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसके आसपास विभिन्न कब्रें देखने को मिलती हैं। हालांकि यहां के मालिक ने जब टी स्टॉल के लिए जमीन खरीदी थी, तब वो इस बात से अनजान थे कि उस जगह पर कब्रिस्तान है, लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने जमीन बेचने के बजाय वहां पर टी स्टॉल शुरू कर दिया, और लोगों को उनके हाथ की चाय काफी पसंद आने लगी। इस तरह कब्रिस्तान में टी स्टॉल अपनी अजीबोगरीब लोकेशन की वजह से आसपास के लोगों के बीच मशहूर हो गया, जहां लोग कब्रों के आसपास बैठकर चाय पीते हुए दिखाई देते हैं। इन कब्रों के चारों तरफ लोहे की सलाखें लगाई गई हैं, ताकि कोई भी इंसान उन्हें छू न सके, और फिर उन सलाखों के चारों तरफ बैठने की व्यवस्था की गई है। इस दुकान पर सबसे पहले रोज सुबह कब्रों की साफ सफाई की जाती है, जबकि उनके ऊपर ताजे फूल डाले जाते हैं। टी स्टॉल पर आने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वो कब्र के साथ छेड़छाड़ ना करें और मृतकों का सम्मान करें, जबकि इस जगह पर भीड़ को देखकर शायद ही किसी को महसूस होता होगा कि वो कब्रिस्तान में कब्रों के बीच बैठकर चाय एंजॉय कर रहे हैं। इस टी स्टॉल में दूर दूर से लोग चाय पीने के लिए आते हैं, जबकि पर्यटकों के लिए ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। फैक्ट नंबर थ्री, हिंदू शास्त्रों में खाना हमेशा जमीन पर बैठकर खाने की बात कही गई है, जबकि कई भारतीय घरों में लोग जमीन या फिर कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आलस की वजह से बिस्तर से उठना पसंद नहीं करते हैं और बेड पर बैठकर ही खाना खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिस्तर पर खाना खाने से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, जिसे लेकर सिंगापुर के एक डॉक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। डॉक्टर सैमुअल के माने तो बिस्तर पर खाना खाने से उसके कुछ अंश बेड पर ही रह जाते हैं, जो कई बार साफ सफाई करने के दौरान बेड के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच जाते हैं और उनकी सफाई नहीं हो पाती है। लगातार बिस्तर पर खाना खाने से उस गिरे हुए खाने की संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है, जिसकी वजह से कई तरह के कीड़े मकौड़े बेड पर अपना घर बना लेते हैं और खाना न मिलने की स्थिति में बिस्तर पर सो रहे व्यक्ति पर ही हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सिंगापुर से सामने आया है, जहां एक शख्स लंबे समय से बिस्तर पर खाना खा रहा था। उस खाने की वजह से बेड पर कॉकरोच की संख्या बढ़ गई, जो एक दिन उस शख्स के कान के अंदर पहुंच गए और उसके कान की त्वचा को अंदर से कुतरने लगे। इसकी वजह से शख्स को बहुत तेज दर्द होने लगा और वो तुरंत अस्पताल पहुंच गया, जहां जांच में डॉक्टर ने उस शख्स के
कान से एक मादा कॉकरोच और उसके 10 बच्चों को बरामद किया था। डॉक्टर की माने तो इस तरह की घटना को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये छोटे कीड़े कान के अंदर घुसकर पर्दे को नुकसान पहुंचा देते हैं और इसकी वजह से इंसान हमेशा के लिए बहरा हो सकता है। आपको बता दें कि इन छोटे आकार के कीड़ों को इंसान के कान के अंदर बनने वाली ईयर वैक्स की गंध पनीर की तरह लगती है, जिसकी वजह से वो खाने की तलाश में कान तक पहुंच जाते हैं। वहीं हमारे कान का आकार कॉकरोच को घोंसले की तरह लगता है, जिसके अंदर दाखिल होते ही उन्हें रहने और अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह मिल जाती है। जरूरी है कि आप बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं, ताकि बेड के आसपास इस तरह के कीड़े ना पनपे और ना ही आपके कान को अपना घर बनाएं। फैक्ट नंबर 4। यूं तो दुनिया भर में कई तरह की डिशेस पकाई और परोसी जाती हैं, जिनका स्वाद काफी शानदार होता है। हालांकि विश्व में कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें भी मशहूर हैं, जिन्हें भारतीय लोग खाने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। एक ऐसी ही अतरंगी डिश का नाम है सुओ डियू, जिसे चीन के लोग बहुत ही चाव के साथ खाना पसंद करते हैं। इस डिश में किसी मृत जानवर की चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि सुओ डियू को बनाने के लिए नदी किनारे छोटे और चिकने पत्थरों का यूज किया जाता है। इन पत्थरों को नदी किनारे से उठाया जाता है, जिन्हें तेल में फ्राई किया जाता है और फिर उसमें लहसुन का पेस्ट, कुछ मसाले और तीखी चटनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। सुओ डियू एक बहुत ही चर्चित स्ट्रीट डिश है, जिसको शराब पीने के दौरान खाया जाता है। इस डिश में लोग पत्थर को चूस कर उसका स्वाद लेते हैं, जबकि मसाले और चटनी को खाने के बाद पत्थर को साइड में रख देते हैं। इन लोगों का मानना है कि सुओ डियू को खाने से पेट नहीं भरता है, जिसकी वजह से इंसान ज्यादा ड्रिंक्स ले सकता है और इस फ्राई पत्थर वाली डिश को चखने के रूप में टेस्ट कर सकता है। फैक्ट नंबर 5। वर्तमान समय में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए कई तरह की किट और टेस्ट्स हैं, जिनकी मदद से सटीक रिजल्ट सामने आ जाता है। लेकिन आज से कुछ हजार साल पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी, जिसकी वजह से महिलाओं को घरेलू तरीकों का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी का पता लगाना पड़ता था। दरअसल 1300 ईसा पूर्व के दौरान मिस्र में महिला की प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए गेहूं और जौ का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें एक थैली में भर कर रखा जाता था और फिर उस थैली के ऊपर महिला का यूरिन डाल दिया जाता था। इसके बाद थैली को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता था। अगर गेहूं और जौ अंकुरित हो जाते थे तो इसका मतलब ये होता था कि महिला गर्भवती है। दरअसल गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जो गेहूं और जौ जैसे अनाज को जल्दी अंकुरित करने का काम करता है। इतना ही नहीं, इस प्रोसेस के दौरान ही महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग का भी पता लगा लिया जाता था, जिसके तहत ये माना जाता था कि अगर जौ पहले अंकुरित हो जाए तो लड़का होगा और गेहूं अंकुरित हो जाए तो लड़की होगी। हैरानी की बात ये है कि गेहूं और जौ को अंकुरित कर महिला की प्रेगनेंसी और बच्चे के लिंग का पता लगाना बिल्कुल सटीक साबित होता था, क्योंकि इस प्रक्रिया को लेकर 1960 के दशक में अमेरिका में एक टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट में प्राचीन मिस्र का ये प्रयोग 70% सही साबित हुआ था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पुराने जमाने में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए यूरिन काफी अहम रोल निभाता था, जिसके तहत अलग अलग प्रयोग किए जाते थे। फैक्ट नंबर 6। जिस तरह दुनिया भर का पारा साल दर साल बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि धरती का अंत पास ही है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीका खोज निकाला है, जिसके तहत हैम्बर्ग शहर में कोको के बीजों को जलाकर काले रंग का पाउडर तैयार किया जा रहा है। इस काले पाउडर को बायोचार नाम दिया गया है, जो पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में मददगार साबित हो सकता है। इस बायोचार को बनाने के लिए कोको के बीज के छिलकों को अलग करके ऑक्सीजन फ्री कमरे में रखा जाता है, जहां उन्हें 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म किया जाता है। माना जाता है कि बायोचार सालाना तकरीबन 260 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करने में मददगार साबित हो सकती है, जबकि पूरे विश्व में हर साल 4000 करोड़ टन से भी ज्यादा कार्बन गैस का उत्सर्जन होता है। बायोचार की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का सर्कुलेशन कम होगा, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी और उसकी वजह से ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ इतनी तेजी के साथ नहीं पिघलेंगे। हालांकि यह तरीका कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, जब ज्यादा कंपनियां बायोचार बनाने के प्रोसेस को शुरू करेंगी और इससे ग्लोबल वार्मिंग के सटीक नतीजों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।